अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स। ललितपुर के गांधीनगर निवासी सुरेश बबेले पीडब्ल्यूडी में कार्य करते हैं। वह सुबह सुबह घूमने गए थे, अचानक एक लापरवाही से आती हुई टैक्सी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित की पुत्रियों ने एसपी से ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और टैक्सी चालक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ आलोक चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जब इसने मुझे कल फ़ोन किया कि दीदी मैंने एप्लीकेशन डाली थी, कोई एक्शन नहीं हुआ, आप आ जाइए। फिर मैं कल रात को ग्वालियर से वहाँ पे सब कुछ छोड़ के अपने भाई बहनों के वो पापा के साथ छोड़ के फिर मैं वहाँ से आई। मैंने फिर बाहर अपने सभी मोहल्ले वालों को बताया, क्योंकि उन लोग को कभी अभी भी ये पता नहीं था कि हुई FIR की नहीं, तो मैंने बताया। सब लोग ने फिर मेरे साथ गए एप्लीकेशन टाइप करवाई। अब मेरे साथ जाके सब एप्लीकेशन यहाँ पे दे दिए, अब कोतवाली देने जा रहे हैं। अभी कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी? हाँ, उन्हें बता दिया, वो कह रहा है अभी जाके रिपोर्ट करा आपने। कप्तान साहब को रिपोर्ट दी है तो कप्तान साहब ये बोल रहे हैं कि आपका मामला फाइल करा दिया जाएगा। और वर्तमान उनकी स्थिति ये है कि अभी को एक घंटे भी नहीं जिए, वो को 10 साल भी जी सकते हैं। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है किसी भी तरह का, जीरो प्रोग्रेस बॉडी में। 4 दिन हो गए, कोई बॉडी में प्रोग्रेस नहीं है, किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं है उनके साथ। 24 तारीख बिरला अस्पताल में पहले प्राइवेट रहे, फिर अभी न्यूरोलॉजी ग्वालियर में एडमिट हो गए हैं अभी वर्तमान में। 24 तारीख को मैं गई थी कोतवाली रिपोर्ट देने, तो मुझसे कहा गया आपकी प्रोसेस होगी, मुझे रिसीविंग भी नहीं दी गई, कोई जवाब नहीं मिला। 3 दिन हो गए आज, कोई एक्शन नहीं लिया मेरी एप्लीकेशन पर। अभी तो कोतवाली जा रहे हैं ना? हाँ, अब हम फिर जा रहे हैं। FIR उन्होंने बोल दिया है सर ने कि FIR जाइए।